फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों से क्या शेयर करने वाली हूँ। आज मैं एक वुडन मंदिर का दिवाली करके दिखाऊंगी। जो लोग इंडिविजुअल हाउस में रहते हैं उन लोगों के पास तो पूजा के लिए अलग से घर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग आजकल फ्लैट्स में रहते हैं और फ्लैट्स में बहुत ही जगह कम होता है, तो हमें मंदिर को या तो फिर लिविंग रूम में रखना पड़ता है या तो फिर बेडरूम में। तो अगर हम थोड़ा सा टाइम दे के दिवाली करके मंदिर को थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं तो वो लिविंग रूम में भी बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमने ये छोटा सा वुडन मंदिर लिया है जिसको हमने 500 रुपीस में मार्केट से ख़रीदा, और इसके बाद हमने एशियन पेंट का ये सिल्वर कलर लिया है। इसका प्राइस 80 रुपीस है और ये गोल्डन कलर है। गोल्डन थोड़ा सा कॉस्टली है, ये 220 रुपीस का है, और ये थोड़ा छोटा छोटा ब्रश जो कि ईच 10 रुपीस का है। तो सबसे पहले हमें मंदिर को कलर करना है, तो इसलिए हम कलर को ओपन कर रहे हैं। ओपन करके इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे कलर करेंगे। तो अब हम ये सिल्वर कलर को खोल रहे हैं। सिल्वर कलर अलग अलग से रहता है, इसका थिक पोर्शन अलग से रहता है और इसका लिक्विड पोर्शन अलग से रहता है। तो हमें पहले थिक पोर्शन को लिक्विड पोर्शन में अच्छे से मिला लेना है। कलर शुरू करने से पहले मैंने इसे अच्छे से डस्टिंग कर लिया। मंदिर का कलर करना हमने स्टार्ट कर दिया है। शौनक सिल्वर कलर कर रहा है और मैं गोल्डन कलर करूंगी। तो ये वुड जो है वो पॉलिश्ड वुड है, इसीलिए इसका जो गोल्डन कलर है फास्ट कोटिंग में जब मैं कर रही थी तो उसका कलर दिख नहीं रहा था। तो लेकिन जैसे जैसे मैं करती गई इसका थर्ड कोटिंग में ही गोल्डन कलर अच्छे से दिखने लगा। लेकिन इसका जो सिल्वर कलर है वो फर्स्ट कोटिंग में ही अच्छे से दिख रहा था, तो ये हमें ज़्यादा करना नहीं पड़ा क्योंकि ये सेकेंड कोटिंग में ही पूरा कंप्लीट हो गया सिल्वर कलर का पार्ट। कौन सी कलर कहाँ पर लगाना है वो प्री डिसाइडेड था, तो इसीलिए हम अपने अपने हिसाब से कलर करते रहे। ड्रॉअर को हमने खोल के अलग से कलर कर लिया। अब आती है डेकोरेशन के बारे, लेकिन डेकोरेशन से पहले हमने इसे एक दिन पूरा धूप में अच्छे से ड्राई कर लिया है। डेकोरेशन में सबसे पहले हमने ये झुलाने के लिए ये लटकन जैसा लेके आए हैं और इसे हमें पीछे से धागे से बांधना है। तो सबसे पहले हमें धागे को 3-4 पैच डाल के इसे अच्छे से मजबूत कर लेना है ताकि वो अच्छे से पीछे टाइट हो सके और गिरने की कोई चांसेस ना हो।
तो पीछे से हमने रस्सी को जो झुलाने का हुक है उससे बांध दिया है टाइट करके। और वो और भी मजबूत हो जाए इसलिए हमने उस जगह पर फेविक्विक लगा दिया। सामने जो मिडिल वाला मोती है उसे भी हमने फेविक्विक से चिपका दिया ऊपर ताकि वो अच्छे से टिका रहे। और एक्स्ट्रा जो धागे है उसे हम काट लेंगे। ये जो लटकन हमने लगाया इसका प्राइस था 120 रुपीस। और अभी बारी आती है स्टिकर की, तो स्टिकर में सबसे पहले हमने ये ओम लिया है। ये सब स्टिकर ईच 10 रुपीस का है। ये ओम वाला स्टिकर हमें ऊपर लगाना है, ऊपर हमें इसे फेविक्विक से चिपका देंगे। ये शस्तिका वाला जो स्टिकर है हमें इसे भी लगाना है, ये भी हम फेविक्विक से लगा देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये रेड स्वेट आसन जो कि हमें लगाना है, इसके ऊपर हम भगवान को बिठाएंगे। बस अभी ये रेडी होने वाला है और ये है फाइनल लुक। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। अभी के लिए हमने मंदिर को टूल के ऊपर बिठाया है और चारों तरफ जो मेसी हो रखा है आप उसे इग्नोर कीजिए। भगवान को हमने मोतियों का माला पहनाया है। और ये जो स्वस्तिका वाला स्टिकर आप देख रहे हैं इसे बाद में हमने ड्रॉअर के आउटसाइड पार्ट में लगा लिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।